दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिमाचल चलो प्रदेश के बनाओ, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के एक गिरना नहीं गांव का लेगा। खेत, जहाँ अभी सरसों लगी हुई है। और अब हम चलेंगे उस ट्रैक के ऊपर। मेरे लेफ्ट साइड दाईं तरफ जो आप ये मिट्टी का घर देख रहे हैं, ये लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं घराल, जहाँ पर जो पालतू जानवर या कैटल होती है उसको यहाँ रखा जाता है। और ये इसके पीछे रास्ता निकल रहे हैं खेतों की तरफ। उसको स्मेल करना है। स्मेल करना है। अच्छी स्मेल है। ये जंगल ट्रैक है। अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, तो ये जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जीरो पॉल्यूशन है। यस ये है इस गांव का नज़ारा, और ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और वो कुछ आप घर देख रहे हैं इस गांव में जो लोग रहते हैं, और जितना भी प्लेन या सीढ़ी नुमा आप इलाका देख रहे हैं, ये सारे खेत हैं जहां सरसों और गेहूं लगी हुई है। और वो देखिए स्लेट के घर होते हैं यहाँ हिमाचल में, स्लेट के मिट्टी के घर बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इन गांव की जो दिनचर्या है बहुत ही सिंपल होती है, यहाँ के लोगों की तरह जो बहुत सिंपल सादगी भरे हैं। सुबह सुबह लोग उठते हैं, नहा धो करके पूजा करते हैं भगवान की, और खेतों में काम करते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, बहुत ही प्योर ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है। और ये सामने चारों तरफ जहाँ जंगल है, वहाँ जंगल में लकड़ी काटते हैं, घास लेकर के आते हैं, अपनी कैटल का ध्यान रखते हैं, और यहाँ मंदिर बहुत हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, बजाय कि आप लोग हिल स्टेशंस पर जाएं और टूरिस्ट स्पॉट पर जाएं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ऐसे गांव के अंदर आना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी होम स्टेज होते हैं, वहाँ रहना चाहिए, लोकल लाइफ देखनी चाहिए, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए, ताकि यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा और लोग भी आपको बहुत प्यार करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, एक गांव हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको दिखाया, वहाँ के खेत दिखाए। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।